ऑल्टरनेटिंग करंट्स में, ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है जो कि अपनी वैल्यू को कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ईएमएफ भी चेंज कर रही है, आपका ईएमएफ साइन में भी हो सकता है और कॉस में भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो आर्मेचर वो कैसे पड़ा हुआ है। तो ईएमएफ की वैल्यू साइन के अंदर होगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा साइन का, कॉस में होगी तो ये ऐसा बनेगा कॉस का ग्राफ। तो ये मैथमेटिकल है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इस चैप्टर की ये है कि सपोज करो आपके पास, अगर मैंने ये बोला कि करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट मेरे घर में आ रहा है और ऑल्टरनेटिंग करंट 4 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है और ऑल्टरनेटिंग करंट 4 एम्पियर आ रहा है, ये स्टेटमेंट इटसेल्फ ही गलत है क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी वैल्यू को कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज, है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 0, -1, -2, -4 करके 0 डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, वैल्यू तो हर वक्त चेंज कर ही रहा है क्योंकि आई का फॉर्मूला क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी में स्मॉल टी क्या है, इंस्टेंटेनियस टाइम है, टाइम के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट डिफरेंट आई की वैल्यू आएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे घर में करंट आ रहा है 4 एम्पियर वायर में। अब ये क्या बात बनी, इसका मतलब कि मैं अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए कॉन्स्टेंट करंट बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं क्या ले रहा हूँ, एवरेज ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसे करंट्स को मैं जो है सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगा, तो मेरे को कुछ एवरेज लेनी पड़ेगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्रिकेट का मैच है, क्रिकेट के मैच में मान लो मैंने पूछा कि बोलो मैच कैसा रहा, आप मैच देख के आए हो, आपने बोला फर्स्ट बॉल पे प्लेयर ने 2 रन मारे, फिर कुछ नहीं किया, फिर 1 रन मारा, फिर कुछ नहीं किया, फिर 6 मार दिए, फिर आउट हो गया, आप पूरे 300 बॉलों का मुझे पूरा वो दोगे, पूरी लिस्ट दोगे बना के, नहीं मैं, आप बोलोगे यार 6 की एवरेज चाहिए जीतना है, तो आप मुझे क्या बता रहे हो, 6 की एवरेज, तो मैं समझ जाऊंगा कि कितने रन के अप्रॉक्सीमेटली बने होंगे। तो आइडिया समझ में आ रहा है, तो मैच एक्चुअल में खेलना इंस्टेंटेनियस है, हर बॉल पे मैच चेंज हो रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एवरेज में, क्यों, क्योंकि हमें बातें एवरेज में जल्दी समझ में आती हैं और कैलकुलेशन ईजी भी होती हैं। तो इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट की भी सेम प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस में काम नहीं कर पाएंगे, हमें एक एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए पहला टॉपिक है आपका कैलकुलेटिंग दी एवरेज या फिर मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब मीन वैल्यू या ऑल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ये जो भी है इसकी, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन ये कहती है कि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सिंपल टोटल टाइम, बस इस तरीके से आप एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकाल सकते हो, कितना चार्ज टोटल पास हुआ और कितने टाइम में पास हुआ। जैसे एवरेज वैल्यू वेलोसिटी निकालती थी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ऐसे इसमें एवरेज निकालने के लिए टोटल चार्ज कितना पास हुआ टोटल टाइम में। अब एक प्रॉब्लम है, किसी ने कहा कि ऑल्टरनेटिंग, ये रहा जी मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट 0, 1, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0 एम्पियर, -1 एम्पियर, -4 एम्पियर करते करते 0 एम्पियर। तो कोई कहता है जी 0 से लेके कैपिटल टी टाइम तक एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं टोटल साइकिल लेता हूँ, एक ऑल्टरनेटिंग साइकिल कंप्लीट लेता हूँ, तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं एग्जैक्टली उतनी नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो जीरो से कैपिटल टी टाइम तक एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव करंट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो इसीलिए 0 से कैपिटल टी कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज करंट निकलता ही नहीं कभी भी। तो हम किसके लिए निकालते हैं, हाफ साइकिल के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, जो एवरेज करंट होगा वो 0 से टी कभी नहीं लिया जाएगा, वो कहां से कहां लिया जाएगा, वो 0 से लेके कैपिटल टी बाय 2 तक ही लिया जाता है। इसी की एवरेज निकल सकती है या इसकी एवरेज अलग निकलेगी, इसकी अलग निकलेगी, इकट्ठी नहीं निकल सकती। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो रूल नंबर 1, जब भी एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ करंट निकलेगा
वो कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं निकलेगा, हाफ साइकिल के लिए निकलेगा। अब एवरेज वैल्यू निकलेगी कैसे? देखो एवरेज वैल्यू के लिए टोटल चार चाहिए होगा। मैं आपसे एक सिंपल ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज करो आपके पास ये करंट है, करंट वर्सेस टाइम है, ठीक है, और ये करंट का कोई भी ग्राफ है, जरूरी नहीं कि साइनोसाइडल है, मैं और चेंज कर देता हूँ। मान लो मेरा करंट ऐसे है, कुछ भी ऐसे है, ठीक, ठीक है, तो कोई भी मेरा करंट है, ठीक है, तो ये फिर भी आप कहेंगे साइनोसाइडल है। चलो मैं करंट और चेंज करता हूँ, मैं ऐसा लेने की बजाय करंट को सीधा भी ले, जैसा मर्जी ले लो। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसमें टोटल चार्ज कितना पास हुआ, तो चार्ज के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इसका स्मॉल पोर्शन लेना पड़ेगा। ये रहा, ये स्मॉल एलिमेंट लिया, इस स्मॉल एलिमेंट की विड्थ क्या है, dt, और किसी भी इंस्टेंट पे करंट आए, तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ, स्मॉल एरिया क्या आएगा, आई डी टी, तो पता है क्या देगा आपको, स्मॉल चार्ज। तो करंट और टाइम का जो एरिया निकलेगा वो आपको क्या देगा, स्मॉल चार्ज, स्मॉल एरिया। पर अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, T1 से लेके T2 तक टोटल एरिया निकालेंगे तभी आंसर आएगा टोटल चार्ज का। तो क्या करनी पड़ेगी इसकी, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करनी पड़ेगी, T1 से लेके T2 तक। तो टोटल चार्ज निकालने का तरीका समझ में आ रहा है, टोटल चार्ज कभी भी निकालना है तो आप क्या करेंगे, IdT की इंटीग्रेशन, ठीक है यहाँ तक। तो अब मेरे पास, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो मैं क्या करूँगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, टोटल चार्ज के लिए फॉर्मूला पुट कर देते हैं IdT, और टोटल टाइम के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dt। लेकिन एवरेज वैल्यू कहाँ से कहाँ निकलती है, जीरो से t नहीं निकलती, जीरो से कैपिटल T/2 निकलती है। तो लिमिट क्या पुट करेंगे यहाँ से, जीरो से कैपिटल T/2, जीरो से कैपिटल T/2। और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती क्या है, I0 sin ωt, क्योंकि करंट एक्चुअल में चेंज हो कैसे रहा है, I0 sin ωt। तो इस करंट को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा I0 sin ωt dt, जीरो से लेके T/2, और डिनोमिनेटर की इंटीग्रेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या दे रही है, T/2। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इसके अंदर हम कुछ कॉमन निकालते हैं, कॉमन आएगा I0 और T/2 बाहर आ गया। किसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके T/2 तक, ठीक है यहाँ तक। अब फाइनली इसके अंदर 2 ऊपर चला गया, I0/t, बोलो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी जीरो से लेके T/2 डिवाइडेड बाय d/dt ऑफ ओमेगा टी। ये अलग से होता है, एंगल को अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 2I0/t माइनस, रादर बाहर निकाल लो, d/dt ऑफ ओमेगा टी में ओमेगा कांस्टेंट है, dt/dt 1 है, तो ओमेगा भी साइड पे आ गया, तो क्या बचा, कॉस ऑफ ओमेगा टी बच गया जीरो से लेके कितना, T/2 तक, ठीक है यहाँ तक। माइनस 2I0t, ओमेगा की जगह पुट कर सकते हैं 2π/t, टी से टी कैंसल, एक बार स्मॉल टी की जगह कैपिटल T/2 और एक बार जीरो ऐसे, ठीक। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें माइनस 2I0/2π, रादर 2 से 2 भी कैंसल, कॉस ऑफ ओमेगा की जगह 2π/T इंटू कैपिटल T/2, कॉस ऑफ जीरो क्या होता है, 1। तो यहाँ से माइनस I0/π, ये कट गया, ये भी कट गया, कॉस पाई क्या होता है, -1, तो सॉल्व करके -2 और माइनस क्या आ गया, 2I0/π। तो ये फॉर्मूला आ गया
एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का, ये फॉर्मूला बुकलेट में नोट करेंगे, 2I0 बाई पाई। तो ये आपकी बुकलेट में लिखा हुआ है, देखो आई डी टी की इंटीग्रेशन I0 sin ओमेगा t, I0 बाहर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास सीधी सॉल्व करके जो मैंने स्टेप्स दिखाए ये आ गई, ठीक है यहाँ तक। तो ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये वैल्यू आ गई। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है, 2I0 बाई पाई, और 2 अपॉन पाई को सॉल्व करेंगे 0.637 टाइम्स I0। I0 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम करंट। जैसे आपका करंट 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0 चेंज हो रहा है, तो आपका मैक्सिमम करंट ऑल्टरनेटिंग करंट 4 एम्पियर है। तो एवरेज वैल्यू पता है क्या होगी, 0.637 × 4 एम्पियर, तो ये एवरेज वैल्यू होगी। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, फॉर्मूला चेंज कर दो। तो एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ EMF में I की जगह क्या पुट कर दो, EDT, IDT की जगह EDT बस। तो E का फॉर्मूला आपको पता ही है, E0 sin ओमेगा t, वैल्यू पुट कर दो, 0 से t/2 कैलकुलेट करेंगे, डिनोमिनेटर t/2, एवरीथिंग इज सेम, ये इंटीग्रेशन फिर से सेम स्टेप है, साइन की इंटीग्रेशन 0 से t/2। तो जब आप इसे सेम स्टेप सॉल्व करेंगे आंसर फिर से सेम आएगा, I0 की जगह E0 आएगा, 0.637 टाइम्स E0, याद रखना ये फॉर्मूला, याद रखना है आपने। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ EMF क्लियर है यहाँ तक?